नाजरीन आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़जर की कज़ा नमाज कैसे अदा करें अगर आप फजर की नमाज़ का मुकम्मल तरीका सीखना चाहते हैं तो इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी आप उसे ज़रूर देखें और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको फ़जर की नमाज से मुतल कुछ बहुत ही अहम बातें भी बताऊँगा इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें अलकुम वरहुल्लि वर्कात मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क नाजरीन अगर आपकी फ़जर की, की नमाज कज़ा हो गई है तो अब उसको अदा करने का दो तरीक़ा है नंबर एक जवाल से पहले नंबर दो जवाल के बाद दोनों वक्तों में काफ़ी फ़र्क है इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लें अगर आप जवाल से पहले फजर की कज़ा नमाज अदा करना चाहते हैं तो आपको दो रकात सुन्नत और दो रकात फ़र्ज दोनों की कज़ा करनी है नाजरीन जवाल का वक्त 11 बजे के बाद ही होता है मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह 8 या 9 बजे फजर की कजा नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सुन्नत और फर्ज दोनों पढ़ना है दोनों की नीयत किस तरह करना है वो सुन लीजिए जैसे आपकी जमेरात के दिन की फ़जर की नमाज कजा हो गई है तो नियत इस तरह करें नियत की मैंने दो रकात नमाज सुन्नत मौकदा कजा सुन्नत रसूल की दिन जमेरात वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर और फर्ज की नियत इस तरह करें नियत की मैंने दो रकात नमाज फ़र्ज कजा वक़्त फजर दिन जमेरात वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ़ अल्लाहु अकबर बाकी पूरी नमाज आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे हम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अगर आप जवाल के बाद फजर की कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ दो रकात फ़र्ज नमाज की कज़ा पढ़ना है और अगर आप जहर की नमाज के वक्त या जुमा की नमाज के वक्त फजर की कज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आपको सिर्फ दो रकात फ़र्ज नमाज की कज़ा करनी है नियत बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कुछ अहम और ज़रूरी मसाइल नंबर एक नाजरीन इस मसले को गौर से सुने मिसाल के तौर पर अगर आप इमाम साहब के पीछे फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं और आप मस्जिद में उस वक्त आए कि अभी जमात खड़ी नहीं हुई है तो आप दो रकाज सुन्नत पढ़कर बैठ जाएं और दरुद पाक पढ़ते रहें फिर जब इमाम साहब नमाज पढ़ाएं तो उनके पीछे नमाज पढ़ें और अगर आप मस्जिद में उस वक्त आए जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो अब आपको देखना यह है कि अगर आप दो रकाज सुन्नत पढ़कर जमात में शामिल हो जाएंगे तो आप पहले सुन्नत पढ़ें फिर इमाम के साथ जमात में शरीक हों और अगर आपको यकीन है कि अगर आप दो रकात सुन्नत पढ़ोगे तो इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं मिलेगी तो पहले आप इमाम साहब के पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ें और फिर दो रकात सुन्नत तुलवे आफताब यानि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद पढ़ें याद रखें कि वो दो रकात सुन्नत आपको कज़ा की नीयत से पढ़नी है नंबर दो फजर की दो रकात सुन्नत में पहली रकात में कुलिया अज्जुहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल अहद पढ़ें नंबर तीन फजर का वक्त तुलुए सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक रहता है नंबर चार फजर की नमाज के बाद सलातो सलाम ज़रूर पढ़ें और फ़जर की नमाज के बाद दरुद पाक या कलमा शरीफ भी पढ़ें ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत नाजिल हो तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फ़जर की कज़ा नमाज कैसे अदा करें अगर आप जानना चाहते हैं कि कज़ाए उमरी कैसे अदा करें यानी जो नमाज़ें हमसे कज़ा हो गई हैं उनको कैसे अदा करें तो इस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी आप उसे ज़रूर देखें तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल शिफा नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें अस्सलामुअलैकुम